नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए शनिवार को बगहा अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद के लिए कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन के दौरान मधुबनी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 9 से युवा प्रत्याशी राम प्रताप कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मौके पर मौजूद अपने समर्थकों का अभिवादन किया। राम प्रताप कुशवाहा ने कहा कि मधुबनी के क्षेत्र संख्या 9 से वे पहली बार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील किया और कहा कि क्षेत्र की चौमुखी विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा। जी, नॉमिनेशन हो गया। मधुबनी प्रखंड क्षेत्र संख्या 9 से। क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि आज हमारा नॉमिनेशन हो गया है और जनता का आशीर्वाद का हमें आवश्यकता है। अपने प्रतिद्वंदियों को कितना टक्कर दे पाएंगे? पूरा टक्कर दे पाएंगे, जनता का पूरा सहयोग है। पूरे प्रखंड की देवतुल जनमानस हमारे साथ है और मैं सभी प्रतिद्वंदियों को टक्कर दे के अपना विजय प्राप्त करूंगा। अगर आपको जीत मिलती है तो क्या करेंगे? जीत मिलती है तो पूरे प्रखंड की देवतुल जनता का मैं धन्यवाद करूंगा और उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। क्या नाम है आपका? राम प्रताप कुशवाहा, प्रखंड मधुबनी, क्षेत्र संख्या 9 से मैं जिला परिषद प्रत्याशी हूँ।